देखिए ये कुछ संबंध है आपके पिछले पढ़े होंगे, साइन एक्स बराबर एक बटे कॉस एक्स, दूसरा क्या पढ़ा था, कॉस एक्स बराबर एक बटे सेक एक्स, टेन एक्स बराबर एक बटे कॉट एक्स, और कौन सा था, कॉस एक्स बराबर एक बटे साइन एक्स, और सेक एक्स बराबर एक बटे कॉस एक्स, और अगर इस चैप्टर को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन चैप्टर को अगर आप इससे संबंधित करके चलेंगे और फॉर्मूले इसको याद करके याद करें कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले फॉर्मूले पे हम बात करें, सबसे पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसाइन इनवर्स ए पहले, ठीक है इसको शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं, माना वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये लेके चल रहे हैं उसको y मान लिया। तो अगर y बराबर sin inverse x है तो sin y बराबर कितना आ गया x, ये तो कल समझा दिया था ना, ठीक है ये ऐसे समझ लो। sin y ले दो तो sin ले लेते हैं sin inverse, ठीक है, और ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो ये x आ जाएगा और ये कितना हो गया साइन वाई जो है वो कितना होता है एक बटा कोसेक वाई बराबर एक्स, तो यहां से तिरछी गुणा करोगे तो एक बराबर एक्स कोसेक वाई यानी कोसेक वाई बराबर एक बटा एक्स, इस बार दोनों तरफ कोसेक इनवर्स फंक्शन लगा देते हैं, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है तो वाई बराबर आ गया आपके पास कोसेक इनवर्स एक बटा एक्स, और वाई कितना माना था आपने साइन इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स, ठीक है ये थोड़ा सा मेथड अगर टिपिकल लगा हुआ आपको तो हम दूसरा वाला आप सिद्ध करते हैं। दूसरा है आपके पास कॉस एक्स बराबर एक बटे सेक एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स बराबर सेक इनवर्स एक्स, तो समझ पाए देखो cos बराबर 1 बटे sec है तो cos इनवर्स बराबर sec इनवर्स 1 बटे, कैसे सिद्ध होगा, माना y बराबर cos इनवर्स, मैं टेक्निकल ग्राउंड पे अभी बात नहीं कर रहा, टेक्निकल ग्राउंड पे मैंने कल बात की थी, यहाँ पे मैंने डोमेन रेंज और जो पूरा प्रांत था उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ली थी हमने, ठीक है, और फिर उसमें हमने देखा था कि फंक्शन 1-1 और 1-2 है और उसके बाद फिर हमने चीज़ें आगे बढ़ाई थी। आज हम बिल्कुल जनरल बात कर रहे हैं, हम टेक्निकल ग्राउंड पर बात नहीं कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा आपका cos y बराबर x, ये तो होगा cos y कितना होता है एक बटा sec y बराबर x, तो sec जो y कितना आ जाएगा एक बटे x, तो y कितना आ जाएगा sec x, और y था क्या cos inverse अभी मैं इनके डोमेन और रेंज की बात नहीं कर रहा, छह फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पे नोट करेंगे और छह के छह को सिर्फ, ठीक है इसके आगे हम पढ़ते हैं अगले बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले, वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई, ये नया फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले होते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस cot inverse x बराबर pi by 2 और sec inverse x plus cosec inverse x बराबर pi, ये तीन फॉर्मूले,
सिद्ध करवाऊंगा मैं और उसी के आधार पर बाकी आप सिद्ध करें। तो हम सिद्ध करेंगे इस फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला हमारे पास, सिद्ध कीजिए, मैं प्रश्न ही बना रहा हूँ इसको। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर। अब आप जान रहे हैं कि जो भी सूत्र आते हैं आते हैं पुराने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से ही है ना। एक तरह से ये साइन इनवर्स जो होता है, अगर हम देखें साइन थीटा बराबर एक्स तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो ये जितने भी इनवर्स फंक्शन है ये एक तरह से कोण है। तभी तो हमने कल कहा था कि साइन पाई बाय सिक्स बराबर एक बटा दो, तो आपने ही ये बताया था कि हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक बटा दो बराबर पाई बाय सिक्स। इसका मतलब ये इनवर्स फंक्शन कोण है। अब सोचो कोण में कौन सा संबंध था साइन कॉस में, बहुत ही मशहूर फेमस साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर कॉस, याद आ गया। अब इसमें हम मान लेते हैं माना कॉस थीटा बराबर एक्स, तो कॉस थीटा एक्स होगा तो यहां एक्स रख देंगे तो साइन नब्बे माइनस थीटा बराबर आ जाएगा एक्स, कोई दिक्कत। साइन हम इनवर्स फंक्शन ले लेते हैं इसका दोनों का, तो नब्बे माइनस थीटा बराबर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत। ये तो पढ़ा है ना साइन एक्स, तो ये इधर आकर साइन इनवर्स हो जाएगा। शर्त क्या रहेगी कि भाई ये इसकी ब्रांच में रहना चाहिए, डोमेन में रहना चाहिए, ठीक। अब क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपके पास साइन इनवर्स एक्स है, तो 90 डिग्री बराबर कितना है साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा। अब क्योंकि आपने माना था कॉस थीटा को एक्स, तो यहां से अगर थीटा का मान निकाला जाए तो निकल कर आएगा, तो यानी 90 डिग्री का मतलब पाई तो आप जानते हो, ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस थीटा का मान हो गया कॉस इनवर्स एक्स, यानी आपने प्रूफ कर दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर। इसी प्रकार आप बाकी के दोनों भी सिद्ध कर सकते हैं। उसके अलावा आपने त्रिकोणमिति में पढ़े थे फॉर्मूले, नंबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन, है ना, और आपने पढ़ा था कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और टेन माइनस थीटा बराबर माइनस करके, याद है। तो यहां से भी इनवर्स फॉर्मूले कोई ना कोई निकल के आने चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां से हम निकालेंगे फॉर्मूला साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला मिल सकता है। कैसे निकालेंगे,